सो अभी जिस एरिया में हम लोग आ गए हैं इस फोर्ट के, ये एक्चुअल में अलाउड जोन नहीं है, यहाँ पे बहुत कम पब्लिक आती है, बहुत लिमिटेड लोग दिखेंगे आपको। और ये एक तरीके की अब ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल सन्नाटा रहता है यहाँ पे। हाँ। लेकिन हम आपको अब जल्दी जल्दी से चीजें दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये वही एरिया है जहाँ पे जो मुजरिम थे, आए भी शाम को है। हाँ, उनको सजाया दिया, सजा दी थी। तो ये बीचों बीच ये बरेदा पेड़ है जिसी के अंदर अटक के लोग, आप समझ सकते हो उसको। हो गया मेरा रिमोट है यार। फाइनली आप हमें देख सकते हो वाइड एंगल लेंस के साथ। हमने सारा पीछे का बैकग्राउंड लिया है, यहाँ पे पानी है, पीछे बिल्डिंग है, जहाँ पे गेट्स भी हैं हम आपको दिखाएंगे, और साइड में हमारे कचरा भी है, सब क्लियरली देख सकते हैं सब कुछ। सुबह से आप देख रहे हैं कि हमने काफी दिनों के बाद वापस व्लॉग करना शुरू करा। एक्चुअली मेरे फादर की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए एक हफ्ता हम लोग व्लॉग नहीं कर पाए थे, और वो एक्चुअली ICU में थे, ICU में भी नहीं थे, सो इस वजह से थोड़ा सा हमारा स्टॉपेज आ गया था। अदरवाइज अब हम दोबारा से शुरू हो रहे हैं और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक। हाँ, और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं कोटा के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो फोर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा फोर्ट्स तो यार दिखाओ, फोर्ट्स दिखाओ कोटा में हो तो, और कोटा में आके फोर्ट्स नहीं देखा और एक्चुअल में बहुत सुंदर है, पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हम मेन चीजें कवर करें। और बता दूं मैं आपको, ये बहुत खास बात है कि ये ना हमारा जो फोर्ट है ये आता है हॉन्टेड हाउस के अंदर, टॉप इंडियन टॉप 10 में हॉन्टेड हाउस के अंदर। और हम अभी शाम को शूट कर रहे हैं तो थोड़े से डरे हुए भी हैं। हाँ, तो एक वाला पार्ट दिखाऊंगा मैं जो एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, पर तब भी थोड़ा बहुत हम कवर करेंगे कैमरे के अंदर, बाकी सब आपको दिखाएं। चलो स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप, मैं जो हूँ रितिका स्पॉट बॉय हूँ। देखो ये मैडम का यहाँ पे हेलमेट, मास्क और बैग, पूरा तीनों चीज़ें। नहीं, मास्क तो मेरा नहीं है, मास्क तो तुम्हारा ही है। हाँ, मास्क मेरा ही है, पर ना रितिका की सारी चीजें मेरे पास रहती है, और बाकी अपन ना बस छाता की कमी है क्योंकि अभी बारिश नहीं आ रही है, छाता लेके नहीं। नहीं, एक्चुअली अपन आज बैग लेकर आए हैं, आप देख सकते हो पीछे होकर दिखाओ तो, स्काई बैग्स का बैग लेकर आए हैं। तो इस वजह से मैंने बोला था कि तुम हेलमेट भी कैरी कर ही सकते हो, इतने चीजें लेकर आए हो तो। अब रिकॉर्डिंग गियर्स इतने सारे हो गए, मतलब कि आपको गिम्बल भी लाना है, आपको ये तीन स्टैंड भी लाना है, आपको लेंस भी लाना है। और मैं स्पॉट गर्ल नहीं कि मैंने कैमरा पकड़ रखा है। नहीं नहीं, आप कैमरा मत, कैमरा। मतलब ऑलमोस्ट ना दादाजी के जमाने का हो गया है, तो अब ये कभी भी गिर सकता है, इसका एक तरफ का तो ऑलमोस्ट गया हुआ है। ये बहुत प्यारा एरिया है, यहाँ से बहुत अच्छा फील आता है पूरे कोटा। ये तब का है जब मैं दादाजी के साथ आती थी यहाँ पे, जब मैं छोटी थी फर्स्ट सेकंड क्लास में। हाँ। सो डेली का घूमना दादाजी के साथ मेरा यही होता था। और बहुत अच्छी बात यहाँ की ना, यहाँ पे एक बार हम लोग भी आए थे, मतलब और सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि जैसा था ना पहले अभी तक वैसा ही है, पता नहीं आगे कब तक ऐसा ही रहना है। नहीं, ऐसा ही रहना, वैसे यहाँ पे अभी कोई अलाउ नहीं कर रखा लोगों को आने के लिए, सिर्फ पैदल वाले लोग आते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बैन कर रखी। खराब हो गई होगी पर ये दिख रहा है आपको बरगदा पेड़, यहाँ पे महारानियाँ जो थी यहाँ पे झूला झूला करती थी, और ये पूरा ना पूरा दिखा होगा आपको, ये पूरा पूरा महल है यहाँ पे। इसमें कुछ एरिया जो है ना वो अभी तो फिलहाल खोल दिया गया है, पर अभी दिख रहा होगा ऊपर अलग बिल्कुल एरिया बहुत खंडर जैसा। दीदी यहाँ पे तुम्हें पता है कि मैं जब स्कूल टाइम में था ना, तो हमारे साथ में एक सीनियर थे, वो यहाँ पर आए थे, और ना उनका मतलब वो एक्चुअल में वो खुद है ना राजपूत थे, तो उनको पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लोर थे जो अभी पानी के अंदर है, तो उसकी खोज करने के लिए हम लोग आए थे। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे गार्डन हुआ करता था, जहाँ पे राजा महाराजा रानी वगैरह सब घूमा करते थे, सारा का सारा यहाँ पे था भाई। मतलब इनका जो बताऊंगा मैं आपको पूरा, थोड़ा सा मैं पढ़ के भी आया हूँ इसके बारे में, तो वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम करा, और ये कोटा के अंदर बहुत बेस्ट फोर्ट है, ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको इसका कुछ। और अंदर गार्डन भी है जैसा मैंने पहले देखा था गार्डन, अगर ये वैसा का वैसा है तो माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग है। कॉलेजेस वगैरह में रहा करते थे, तो मतलब रात में कभी हम लोग ट्रैवल करते थे ऑफिस से, तो हमारे घर वाले मना करते थे कि ना रात में कुछ 12 बजे के बाद से लेके सुबह 5 बजे तक कभी भी इस वाले रोड पे नहीं चला, जो रोड दिखाया आपको। ये एक्चुअली कोटा बैराज वाला रोड था, तो इधर से अक्सर मना करते थे कि अगर 12 बजे बाद आप आ रहे हैं, लेट हो गए हैं रात को ऑफिस से, तो इस रोड से ना आए। तो कई बार सब अगर हम लोग 12:30 1 बजे फ्री हुए किसी ऑडिट से, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑफिस में रुकते थे, और 4 बजने के बाद ही इतना डरते थे कि हम 4 बजे बाद ही आते थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ ना अनयूजुअल एक्टिविटीज देखी गई है काफी बार, तो इसलिए रिकमेंड होता है कि यहाँ पे। और यहाँ पे रानियाँ स्नान किया करती थी ऐसा बोला जाता था,
हम आपको वो भी जगह दिखाते हैं और अब ये चीज ना एक्सरसाइज जोन बन गया है। हाँ, तो काफी एजेड लोग आते जिस जगह भी हम लोग अभी आए ना वो रिद्धि ये वाला एरिया जो ना ये एक्चुअली बंद कर दिया गया लोगों के लिए, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे आना और यहाँ पे ना मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है और ये वही एरिया है जहाँ पे जो पनिशमेंट्स दिया करते थे जैसे ना फांसी सजा हो गई वो यहीं पे बर्द पेड़ के अंदर दिया करते थे। वो भी आप इस पेड़ पे चढ़ती देखो ये पेड़ है दीदी दिखाओ वाला पेड़। ये पेड़ था जिसपे दादाजी हमें चढ़ाया करते थे और नीचे जाते थे और आज ये टेढ़ा हो चुका है क्योंकि रिद्धि के वजन से। ऐसे ही था, एग्जैक्ट ऐसे ही था, कोई चीज यहाँ की नहीं बदली। और शायद आपको पता होगा या नहीं, मुझे पता नहीं है, पर रिद्धि जो है ना वो भी राजा महाराजा के घर से ही बिलोंग करती है ना रिद्धि। हाँ, लाइक हमारी भी हवेली है। हाँ, तो अब तो खैर घर शिफ्ट हो गया है, अब तो आप उसको देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ना कदम कदम जहाँ पड़े, और एक ऐसा कुछ अच्छा गाना था तो वैसा हो गया। पर एक्चुअल में रिद्धि भी पहले ना महलों के अंदर रहा करती थी, अभी ये अपना घर के अंदर आ गई जैसे मैंने बताया अपने प्ले। हमारे पूरे खानदानी हवेली है जो पूरी की पूरी पुराने जमाने स्टाइल की है और वहाँ से सुरंग निकलती है यहाँ पे आने की। एक बार कभी आपको लेके भी चलेंगे हम लोग बंद कर दिए। अरे उन गलियों के अंदर जहाँ पे रिद्धि रहा करती थी और जहाँ पे मतलब पूरा महाराजाओं का एरिया है वो, जहाँ पे आपको सारे फोर्ट्स नजर आएंगे और वो क्या सरदार है वहाँ पे हवेली नजर आती है। तो अभी चलो दिखते आगे यहाँ पे कौन सा एरिया है। सो अभी जिस एरिया में हम लोग आ गए हैं इस फोर्ट के, ये एक्चुअल में अलाउड जोन नहीं है, यहाँ पे बहुत कम पब्लिक आती है, बहुत लिमिटेड लोग दिखेंगे आपको। और ये एक तरीके की अब ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल सन्नाटा रहता है यहाँ पे। हाँ। लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी से चीजें दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा होता है क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये वही एरिया है जहाँ पे जो मुजरिम थे आए भी शाम को है। हाँ, उनको सजाए दिया, सजा दी थी। तो ये बीचों बीच ये बरगदा पेड़ है जिसी के अंदर अटक के लोग, आप समझ सकते हो उसको। तो अभी हम इस वाले एरिया में, ये एक्चुअल में यहाँ पे आपको दिखा, आपने नोटिस देखा होगा कि ना एक्चुअल में इस बिल्डिंग में आना साफ मना है, साफ तौर पे आप इसके आसपास भटक नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते, वरना आप पे पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। और आप देख सकते हैं ऊपर ये जो विंडोज बनी हुई है, हाँ झरोके बने हुए हैं, यहाँ से रानियां यहाँ सामने लाइक रिवर्स को देखती थी। पर्टिकुलर महल का एक फ्लोर जो है वो अभी तक पानी के अंदर है क्योंकि एक बार जब मैं छोटा था उस टाइम पे हम लोग आए थे फ्रेंड्स वगैरह, सो इसका एक फ्लोर तक हम लोग पहुंचे थे जो बिल्कुल नीचे है। लास्ट फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर है और उसके आप जाएंगे ना सीढ़ियाँ जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट पानी आ रहा है। तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आपको जगह रास्ता मिलता नहीं है तो जाने का। और अगर आप इसमें खास बात यह है रिद्धि, क्योंकि हम लोग उस टाइम गए थे तो हम लोग 8-9 फ्रेंड्स थे जब इस हवेली के अंदर गए थे हम लोग, तो एक फ्लोर पे आने के बाद हमें पता नहीं चल रहा था कि हम जहाँ पे भी घूम रहे थे ना वो बार बार उसी जगह आके हम लोग रुक रहे थे। बहुत भूल भुलैया है और साथ ही साथ यहाँ पे एक गेट है जहाँ से एक्चुअल में जब युद्ध होता था, जब भी लड़ाई होती थी तो राजा महाराजा यहाँ से गढ़ पैलेस से निकल के जाते थे। स्केपिंग प्लान जिसे बोल सकते हैं अपन आज तारीख। यहाँ पे बहुत सारी सुरंग भी है जिसके थ्रू अंदर से अंदर होके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। पहली बार इस वाले एरिया में मैं कुछ अराउंड ऑफ हो गए होंगे 10 साल के बाद मैं आ रहा हूँ इस वाले एरिया में, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसा एरिया जहाँ पे कोई अलाउड नहीं होता आना। दिख रहा होगा रिद्धि, बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है यहाँ से क्योंकि इसको बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये वो मंजिल है जिस दिखाने वाला था मैं आपको। अंधेरा होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, ये बरगद का पेड़ है जहाँ पे उस टाइप की सारी एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिलती है। यही वो फ्लोर है जो कम से कम 1 से 1.5 फुट अंदर है अभी पानी के, और इसके अंदर बताया जाता है कि कुछ पैसा या फिर मान लो कुछ हीरे जवाहरात भी थे उस टाइम पे जो पानी में दब गए थे, क्योंकि राजा महाराजाओं की संपत्ति हुआ करती थी वो सब इसके अंदर दफन हो गई। और अभी यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको दिख रहा हो कितने बड़े बड़े पेड़ दे रखे हैं आपको, पूरा पेड़ पेड़ से कवर कर रखा है। अभी एज सच मेंटेनेंस नहीं है, बारिश का मौसम की वजह से सारे जंगली पौधे भी काफी बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। शाम हो चुकी है, ज्यादा देर यहाँ पे रहना सेफ नहीं होता, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रिद्धि और मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताना सही नहीं होगा कैमरे के अंदर। बेबी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फटाफट और फिर वहाँ पहुँच के बताएंगे जो बिल्कुल सेफ एरिया। अभी यहाँ पे सिटी देना शुरू कर दिया है अपना वॉचमैन ने, और यहाँ पे जो जगह हमने अभी आपको दिखाई है हाँ। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, हम परमिशन लेकर आए हैं
जिससे हम आपको दिखा सके यहाँ की ब्यूटी। दावनी यहाँ पे साफ लिखी गई है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है आना, तो अभी हम लोग आ गए हैं तो अब ठीक है, अब निकलते हैं। ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं तो पुलिसमैन की भी सीटी, वॉचमैन की सीटी बजने लगी है कि आप लोग बाहर निकलो जल्दी से। 6:30 बजे ज्यादा अलाउड नहीं होता वैसे यहाँ पे आना। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है और ये भी उसी टाइम का मंदिर है जब ये फोर्ट बना था। दिख रहा होगा पीछे आपको पूरा का पूरा हमारा फोर्ट का एरिया आ रहा है। ये हमारा बेस्ट यूज है हमारे वाइड एंगल लेंस लेने का, बहुत इंतजार करा भाई इसका। सिर्फ इस वाइड एंगल लेंस की वजह से ही हम ये पूरा व्यू आपको कैप्चर करके दिखा पा रहे हैं। दिख रहा होगा आपको पूरा की ये देखो नीचे पूरा का पूरा घाटी वाला एरिया है जहाँ पे ना ये पूरा एरिया दिख रहा होगा, पूरा ये फोर्ट का एरिया है। और सबसे अमेजिंग बात मैं एक और बताती हूँ, तपन ये स्लोप दिखाओ इन्हें, आप ये स्लोप देख सकते हैं, ये पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी, ये स्लोप बनाई गई है, पहले ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी जहाँ से उतर के जाया जाता था। आया रुक जा भाई, और चंबल में पानी आने की वजह से ये पूरा एरिया डूब जाता है कई बार, तुमने कई बार देखा है। हाँ, जब चंबल में पानी ज्यादा आता है तो ये एरिया पूरा डूब जाता है। और यहाँ पर आगे गार्ड सबको हटाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रात में एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे मना करते हैं कि आप यहाँ पे छिप जाते, मना करते हैं कि कोई भी यहाँ पे रात को नहीं रुक सकता। तो जैसे ही अंधेरा होने लगता है, क्योंकि ये फोर्ट का एरिया है, इस वजह से सबको बाहर निकाला जाता है, जैसे कि हमें भी निकाल रहे हैं। निकल नहीं रहे पर निकल रहे हैं, और भी लोग जा रहे हैं अभी। हाँ, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से ना, तो पीछे वाला कितना एरिया, कितना सुंदर एरिया दिख रहा होगा, पूरा का पूरा पानी और इस तरफ पूरा का पूरा फोर्ट। ये भाई साहब दिख रहे होंगे आपको सिटी बजाते हुए, दिख रहे होंगे ये सिटी बजा रहे हैं बैठे। बचपन में आती थी मैं यहाँ पे, सो आज यहाँ पे आके लाइक पूरी यादें ताज़ा हो गई है और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। और मेरा स्कूल जो पास में ही रहती। हाँ, तपन का स्कूल बिल्कुल पास में है, हर दिन बंक करता था दोस्तों के साथ और यहाँ आ जाता था। कोई नहीं, कोई बंक नहीं करते थे भाई, अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, अपन ने क्लासेस बंक नहीं करी, पर हाँ कई बार अपन मास बंक निकलते थे, 60 बच्चे एक साथ क्लास में, जब हम लोग को बाहर निकाल दिया करते थे स्कूल के, तो हम लोग आया करते थे घूमने के लिए। पर अभी तो हाँ इधर तो मतलब थोड़ा सा चलता था हमारा घूमना फिरना। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा फोर्ट है ये, और इसका फ्रंट एरिया दूसरी जगह से है, हमने आपको गार्डन वाला एरिया दिखाया है यहाँ। ये रेस्ट्रिक्टेड जोन दिखाया मैंने आपको, और इसके अलावा इसका एक म्यूजियम भी है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, उसमें बहुत सारे पुरानी प्राचीन पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा और क्या है मतलब हथियार वगैरह, जो क्या कहते हैं उसको, तोप होती है, तोप भी है यहाँ पे। ओके, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने लायक वाली चीज है। और जब यहाँ पे दशहरा मेला लगता है तब तो ये फोर्ट बहुत सुंदर सजाया जाता है, उसको बहुत अच्छा लाइटिंग, जितना बड़ा फोर्ट है ना ये पूरे फोर्ट को लाइटिंग करी जाती है और बहुत सुंदर लगता है। और शाम हो चुकी है और यहाँ पे लाइट जो है बिल्कुल डिम हो चुकी है, और अब यहाँ क्राउड निकलना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि रात में अलाउड नहीं है यहाँ पे रुकना भी। हाँ, और यहाँ बाहरी साइड में बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स लगी हैं, सो हम वहाँ से कुछ ना कुछ खाने वाले हैं, ठूसने वाला ही फिलहाल पड़ा। रिद्धि जो है घर पे ना अपने प्याज नहीं खाती, तो अभी हम लोग लड़ रहे थे कि प्याज कौन सा है, लाओ भैया दे दो, ये तीन कौन से वाले हैं प्याज वाले, एक प्याज वाले, बाकी दो बिना प्याज वाले, ठीक है, ये तो मेरी फैमिली का है, और ये कौन सा है प्याज वाला, प्याज वाला। यहाँ पे भी येलो कलर है, सो लाइक येलो इज ऑल टाइम फेवरेट एंड येलो तो मिलना ही है। तपन तुमने क्या क्या चीज ऑर्डर की है? मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर करा है, और है ना फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मैंने पीना लगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी सर्दी हो चुकी है, तो मैं तो नहीं पीना ना, रिद्धि पीएगी। यस, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज भी है, और पिज्ज़ा कौन सा है, मैं नाम भूल गया। देखो यार वाइड एंगल लेंस है ना, मतलब एक ब्रॉड एरिया आ रहा है, मतलब नीचे का भी लोग क्लियर आ रहा है ना। पहले हम दो ही आते थे, अब हमारे साथ बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने बताया था कि हमारा वाइड एंगल लेंस जो है वो काफ़ी हमने अभी जस्ट नया लिया है, ताकि हम प्रो व्लॉगिंग कर सकें, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे व्यूज के लिए बहुत अच्छे रहे। ठीक है यार, बढ़िया क्लैरिटी तो ठीक है, अच्छी आती है दिन में, और अच्छा आता है मतलब ये। अभी एक्चुअली जिस जगह हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे एज ऑन संडे सारी सीट्स फुल हैं, तो हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइट का ना मतलब शो नहीं आ रहा है, सो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग
हम लोग आए रोमिनोज के अंदर, इट्स नॉट डोमिनोज, इट्स रोमिनोज, पर ये डोमिनोज ही है। नहीं नहीं रोमिनो, ये रोमिनोज है, डोमिनोज नहीं, ये आर से रोमिनोज। नहीं नहीं चीज है, नहीं नहीं चीज है, पता नहीं क्या है। लैंडमार्क में कुछ नया खुला है, थी मेरे पीछे लिखा हुआ है आर ओ एम आई एन, क्या लिखा हुआ है, एन ओ एस, एनी वेस, डोमिनोज, डोमिनोज है, डोमिनोज ही। आज मैंने इतने टाइम बाद चना चोकर खाया है, बहुत अमेजिंग। और एक भी खाया, इसने दो खाया है, और दिन बता दूँ मैं आपको यहाँ पे से बना रही थी पानी पीने के लिए आई थी, और इसके चक्कर में तो बड़ा बिल पड़वा दिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी ना, तो मैंने सोचा कहीं पानी पी लें, तो अपन को फिर वही पिज्ज़ा खाना है, तो ठीक है यहाँ पे पानी पी लूँगी, मुझे तो पानी पीने से मतलब है। तो मतलब आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट हमारे सिचुएशन से कि ये प्यास है बड़ी, और बड़ा बिल पड़ दिया चक्कर में पानी पीने चक्कर में। अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, सीच भी फुल होने वाली थी। लाइटिंग अच्छी आ रही है, हम जगह उसी जगह पे बैठे हुए हैं, एक्चुअली हमारा लेंस का थोड़ा सा इशू था ना, नया नया लिया है ना, तो उसको फिक्स करने में भी इशू आया। हर बार भाई नए नए में हमारी पोपट हो ही जाती है यूज करते करते, पर काफी दिन हो गए, कहीं हम जैसे गए हैं ना विजिट पे, तो वहाँ पे अभी हमारी पोपट नहीं हो। और आप मानेंगे नहीं कि ना मतलब पब्लिक प्लेस के अंदर व्लॉगिंग करना एक अपने आप में मतलब बहुत मतलब दिल बड़ा काम है, मतलब आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए, दिल नहीं तो जिगर चाहिए आपको व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं और ऊपर से आप कैमरा बातें करते आते हैं। हम अभी जहाँ पे फोर्ट में गए थे आपको दिखाने के लिए, वहाँ पे हमने एक्चुअली बैक साइड पब्लिक ने दिखाई थी, वो लोग हमें भी देख के अपने फोटो क्लिक करने लग गए थे कि हम भी वीडियो बनाएंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे, तो ऐसा का क्रेज होता है सबका। हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, और हमसे बात कर रहे थे हैकिंग वगैरह के बारे में, तो मैंने बताया कि हम लोग ब्लॉग करते हैं और मैंने ब्लॉग के अंदर उनको लेने वाला हूँ। सो ये लोग हैं हमारे, इनका नाम बताएंगे, आपका नाम? आर्यन, आर्यन किशोर मिश्रा। हाय आर्यन। हाय अक्षय। तो अक्षय हमारे साथ में, और सामने कौन है? सो ये भाई, ये बड़ा बहुत अच्छा गेमर है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, तो मतलब भाई भी बहुत अच्छा करता है, मैं भी दिखे इसके अंदर हम लोग यहाँ पे, तो हमने बोला कि भाई यार बताओ आप क्या करते क्या है, हमने बोला कि रिद्धि और मैं हम दोनों हैकर्स हैं, तो भाई सोच के बोला कि भाई जाने क्या करते हो आप लोग, तो हमने पूरा एक्सप्लेन करा। हाँ लीगल हैकर्स हम लोग, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और हम लोग कंपनीज के लिए काम करते हैं, जैसे आपको लोगों को पता होगा इधर जो ब्लॉग पे जुड़े हैं, तो ये हाँ सो अभी कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ब्लॉग के अंदर, आई होप कि ना धीरे धीरे ग्रो करेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब यही है। हाँ ज़रूर। हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना भूलो। एक पिज्जा तुम खा जाओ मेरा, तो मैंने चलो ठीक है तुम अगर खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और तुम नहीं खाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं जितने भी देर में मैं कैमरा ऑन करता हूँ जितनी खाई चुकी हूँ, ये गलत बात है, वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पिज्ज़ा पिज्ज़ा अपनी जगह होता है भाई, फ्रेंडशिप होती है। कभी भी ब्लॉगिंग करते मतलब खाते वक्त आपका ब्लॉगिंग मत करो, कि आपका पार्टनर कभी भी सारा का सारा खा सकता है और आप ब्लॉगिंग करते रह जाओ, ऐसा वादा वहाँ पे, इसलिए मैं खा रही थी और अपन ब्लॉग कर रहा था। अभी रिद्धि और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात कर रहे थे, फिर बताऊंगा मैं आपको बाद में, शायद यहाँ ब्लॉग ऑल ओवर दिखेंगे। अभी बहुत बात चल रही थी हमारी कि ना हम लोग किस पे आए हैं और कैसे जाएंगे, तो कौन किस पे आया है कौन कैसे जाएगा, इससे बात चल रही थी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो हम ये आपको बाद में बताएंगे। इस ब्लॉग में तो नहीं डालने वाला भाई, मैं अगले ब्लॉग में डालूंगा इस चीज़ के बारे में जो आज हम बात करके हंस रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी, मतलब डोमिनोज से अच्छा पिज़्ज़ा मैंने ना रोमिनोज में खाया, छोटा भाई है डोमिनोज का, और मैंने एक ही पीस खाया है, तो मैंने तीन पीस खाए, साढ़े तीन पीस खाए, आधा पीस के अंदर मैं ब्लॉगिंग में रह गया बस। सो वी हैव वन मोर सब्सक्राइबर विद अस, बहुत आपका नाम? सोमित जैन। सोमित जैन, सोमित अभी जस्ट मिला हमें डोमिनोज मतलब रोमिनोज के अंदर, हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे, कैसा लगा पिज़्ज़ा? तो बढ़िया, पहली बार आया तो हमेशा आते रहते हो? हमेशा ही आता रहता है ये भाई, आता रहता है हमेशा, अकेले आते हो किस साथ में आते हो? और हर बार कोई ना कोई नया साथ में होता है भाई का। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ये रोमिनोज में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और तपन सेकंड टाइम आया है, तपन पहले जिसके साथ आया था वो कोई मतलब कौन था? वो रहते को बोलते, अरे आप तो मेरी बेटी जैसी हो, वो तपन को ना बेटी बोलता था। अरे मुझे नहीं, तुम्हें बोलता था बेटी, मेरे को क्यों बोलेगा बेटी?
अंदर एक बहुत बहुत खास बात के लिए हंस रहे थे, पर मैं इस ब्लॉग में नहीं बताने वाला आपको वो। हम लोग वो फिर कभी बताएंगे आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में देखे जाएंगे उसको। हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी बता सकते हैं। हाँ। लेकिन ऑन द होल आज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, हमने फोर्ट भी देखा और साथ ही साथ हमने पिज्जा भी खाया और सब्सक्राइबर हमें मिले यहाँ पे हमारे डोमिनोज के अंदर पिज्जा खाते खाते। सो आज ब्लॉग को यहीं ऑफ करने वाले हैं और अभी फटाफट घर निकलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले बॉस, लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा ब्लॉग। इसलिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। 70s कार को लो, अरे उस पे आए किस पे, स्कूटी पे चलेंगे भाई।